चैनल मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन आईपी। राइट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में, हमने सारी चीज़ें जानी, मैंने सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड किए अपनी एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन आईपी। एज यू नो, मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट के लेक्चर्स डाल रहा हूँ, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करो, बट जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूँ। सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आपको अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फुल थर्ड ईयर के लिए होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख लें, वहाँ पर हमारे कोर्स की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन आईपी का पार्ट नंबर वन। नेक्स्ट जनरेशन आईपी में जो सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो किया गया आईपी V6 पे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आईपी, पहला जो जनरेशन आईपी का था आईपी V6 से पहले, वो आईपी V4 था। राइट, हमने ये भी समझा था कि आईपी V4 और आईपी V6 में बहुत बड़ा फर्क कुछ नहीं है। फर्क ये है कि आईपी V4 में नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हम कैटर कर पाते हैं वो थोड़े कम होते हैं, और IPv6 में थोड़े नंबर ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं, जो हम कैटर करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। राइट, सो दिस इज द रीज़न। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्निंग हाउ डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट। राइट, डेटा को किस तरीके से भेजा जाएगा एंड डेटा को किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। IPv6 वॉज डेवलप्ड टू रिप्लेस द ओल्डर IPv4 प्राइमरी, बिकॉज IPv4 के पास जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है उसको कैटर करने के लिए नंबर ऑफ एड्रेस स्पेस बहुत कम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पे हर दिन नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं, लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो IPv4 वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो IPv6 को लॉन्च किया गया। IPv6 के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला फीचर है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है लार्जर एड्रेस स्पेस। लार्जर एड्रेस स्पेस का मतलब क्या कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस को ज़्यादा रख सकते हैं। IPv4 यूजेस अ 32-bit एड्रेस एंड IPv6 यूजेस 128-bit ऑफ एड्रेस, मतलब 2 raised to 128-bit नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो कि है 340 यून डिक्लियन। राइट, बहुत बड़ा नंबर होता है। सिंप्लीफाइड एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इसका नेक्स्ट फीचर है, कि यस कि इसमें हम IPv6 जनरली ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। IPv6 सपोर्ट्स ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, मीनिंग डिवाइसेस कैन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर देमसेल्व्स व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। डिवाइस ऑटोमेटिक अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा। सिक्योरिटी इंप्रूव्ड की गई है IPv6 में। While IPv6 was designed by with IPsec internet protocol security as a mandatory feature, enhancing data integrity, confidentiality and authentication in practice, better rounding efficiency। अब एक बहुत important चीज़ होती है किसी भी IPs में, right? Internet protocol का काम होता है data को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, it's all about the sending and receiving the data, और as you know data sending and data receiving means कि it ऑलवेज कम्स अंडर पैकेट्स, डेटा पैकेट्स के तौर पर आता है। सो बेसिकली अगर हम डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंप्लीफाई द हेडर, टू रीअसेंबल द डेटा। सो बेटर राउटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है IPv6 आपको राउटिंग एफिशिएंसी बेटर प्रोवाइड करेगा, मतलब किस तरीके से डेटा हमारा जाने वाला है, स्ट्रीमलाइन होने वाला है, वो बेहतर होती है हमारे IPv6 में। यहाँ पे आपको नो नीड ऑफ NAT की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। IPv4 में हमारे पास NAT की ज़रूरत होती थी, बिकॉज कई बार हमें जो प्राइवेट IP को एक सिंगल IP में कन्वर्ट करना होता था बिकॉज ऑफ लिमिटेड एड्रेस स्पेसेस। मान लेते हैं कि आपके पास 10 डिवाइस है, आप उन 10 डिवाइस को एक सिंगल पब्लिक IP में कन्वर्ट करते थे ताकि हमारे जो एड्रेस स्पेस है हम उसको बचा पाएँ और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएँ। बट IPv6 में ड्यू टू नंबर ऑफ एड्रेस स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आपको NAT की ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पे मल्टीकास्ट और एनी कास्ट कैपेबिलिटीज़ हैं IPv6 में। IPv6 enhances सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट सेंडिंग अ पैकेट टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, मतलब एक बार में आप मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे पैकेट को भेज सकते हैं, उससे हमारी लोड बैलेंसिंग भी इम्प्रूव होती है और रेडुनेंसी भी कम होती है। राइट, तो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे IPv6 के, जो आपको याद रखने हैं।
मैंने इस नोट्स में प्रॉपर तरीके से सारे फीचर्स को डाल दिया है। ये नोट्स भी मैंने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड किया, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 नोट्स, राइट। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा IPv6 की एड्रेसिंग, मतलब हम एड्रेस को कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो करो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ओके, इस वीडियो देखने थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताना, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।